ओके okay, स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर थ्री टाइपिंग एंड यूजिंग दी माउस वर्कशीट फाइव आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस आपको जो भी आंसर देना है दैट शुड बी इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस मैं साथ के साथ पूरी वर्कशीट लिखते जाऊंगी आंसर्स क्वेश्चन एवरीथिंग साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगी सो so दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और लास्ट में रिवीजन हो जाएगी ताकि आपको सब कुछ याद भी हो जाए साथ ही ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस फर्स्ट वाला देखो विच रेक्टेंगुलर की पैड इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड वेन इज इट कन्वीनियंट टू यूज़ कौन सा रेक्टेंगुलर की पैड देखो एक हमारा पूरा की बोर्ड होता है उसके अंदर एक छोटा सा साइड में रेक्टेंगुलर की पैड होता है तो वो ये पूछ रहा है राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड में कौन सा रेक्टेंगुलर की पैड होता है एंड उसको यूज करना कब इजी होता है कन्वीनियंट मतलब कि कब हमें सहायता मिलती है उससे ठीक है कब हमें वो बहुत इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर देखो देखो राइट right साइड पे जो हमारा रेक्टेंगुलर की पैड होता है कीबोर्ड में उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड ठीक है क्यों बोलते हैं उसको न्यूमेरिक की पैड क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूमरल्स लिखे होते हैं उसकी कीज़ पर जो उसमें होती हैं और उसको यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ईज़िली एंटर कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर ये भी पूछा है व्हेन इज़ इट कन्वीनियन टू यूज़ तो कब हमारे लिए सही रहता है इसको यूज़ करना तो जब भी हमें बहुत सारा न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन हमें टाइप करनी होती है वेन एवर वी हैव टू एंटर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ न्यूमेरिक की पैड तब हम न्यूमेरिक की पैड को यूज़ करते हैं ताकि हम ईजिली अपना काम कम्प्लीट कर पाएँ ठीक है तो न्यूमेरिक की पैड हो गया इसका आंसर अब सेकेंड वाला देखो नेम एनी फाइव स्पेशल कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड स्पेशल कीज़ हमने पढ़ी थी कुछ जिसके अंदर हम लोग बताते हैं कि ये वाली जो की होती है ये स्पेशली इसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनी है जैसे कि शिफ्ट की शिफ्ट की के हमने दो यूज़र्स पढ़े थे ठीक है आ, एक तो होता है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं सिंबल्स को या टाइप करना चाहते हैं सिंबल्स को जो अपर हाफ ऑफ न्यूमेरिक कीज पर होते हैं और दूसरा जो कैप्स लॉक की है उसका फंक्शन को रिवर्स करने के लिए हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं ठीक है एक कंट्रोल की एक स्पेस बार की कैप्स लॉक की एंड बैक स्पेस की ये सारे हमने पढ़े हैं इनका फंक्शंस पढ़ा है अच्छे से डिस्कशन हुआ है ठीक है तो ये हो गई हमारी फाइव स्पेशल कीज ऑफ अ कीबोर्ड थर्ड देखो थर्ड क्वेश्चन इज विच कीज आर यूज टू डिलीट द टाइप्ड मैटर ऑन द स्क्रीन कौन सी ऐसी कीज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं जो भी हमने टाइप किया है स्क्रीन पे उसको इरेज़ करने के लिए उसको डिलीट करने के लिए तो एक तो हो गया हमारा डिलीट बटन और एक हो गया हमारा बैक स्पेस की अगर हमें कर्सर का लेफ्ट पार्ट डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं और कर्सर का राइट एरिया हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन यूज़ करते हैं ठीक है अब फोर्थ क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्पेस बार की स्पेस बार की का क्या यूज़ है क्यों यूज़ करते हैं स्पेस बार की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब भी हम वर्ड्स लिखें और जब हम इस की को प्रेस करें तो हमें एक ब्लैंक स्पेस मिल जाए हम वर्ड्स को अलग अलग कर पाएँ ठीक है तो ये हमारा यूज़ होता है स्पेस बार की का और एक ये भी होता है कि स्पेशल चीज़ जो माइंड में रखनी है स्पेस बार की से रिलेटेड कि किसी भी कीबोर्ड में स्पेस बार की के ऊपर कुछ प्रिंटेड नहीं होता है ठीक है उसके ऊपर कुछ भी प्रिंटेड नहीं होता है उसके ऊपर लिखा नहीं होता है स्पेस बार की जैसा कि बाकी कीज़ के ऊपर लिखा होता है सबसे लॉन्गेस्ट की होती है ये हमारे कीबोर्ड की key. ठीक है तो स्पेस बार की एंटर्स द ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रेस्ड वंस एक बार दबाएंगे तो एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ जाता है ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखो राइट द यूज ऑफ एन एस्केप की एस्केप की का यूज़ हमें बताना है तो हमारी एस्केप की किस लिए यूज होती है एस्केप की यूज़ होती है टू कैंसिल सम ऑपरेशन जो भी हमने कमांड्स वगैरह दी हैं कंप्यूटर को अगर वो हमें कैंसिल करनी है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे एस्केप की हेल्प से करेंगे सो द एस्केप की इज मोस्टली यूज टू कैंसिल सम ऑपरेशंस ठीक है यहाँ तक हो गया अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हेन वी ब्रिंग द पॉइंटर टू एन आइकन विच एक्शन हैपन्स हमारे एक्शन का वो पूछ रहा है कि हम कौन सा एक्शन होता है ये परफॉर्म करते हैं जो जब भी हम पॉइंटर को आइकन पर लेकर जाते हैं व्हेन वी ब्रिंग द पॉइंटर टू एन आइकन विच एक्शन हैपन्स तो आंसर क्या आएगा आंसर इज पॉइंटिंग यस वी परफॉर्म पॉइंटिंग हम पॉइंटिंग करते हैं ना पॉइंटर से तो वही वो पूछ रहा है कि अगर आप अपने पॉइंटर से आइकन पे लेकर जाओगे पॉइंटर को तो कौन सा एक्शन होगा दैट विल बी देखो। से हम ऐसा कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे किसी भी फोल्डर पर ताकि वो खुल जाए फोल्डर खोलने के लिए बताया था मैंने कि हम डबल क्लिक करते हैं तो आंसर आएगा डबल क्लिक ठीक है कौन सा माउस एक्शन हम लोग जो परफॉर्म करेंगे फोल्डर को खोलने के लिए उसको हम बोलेंगे डबल क्लिक ठीक है तो यहाँ तक हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई वर्कशीट फाइव आप जल्दी से हम पूरी वर्कशीट का रिवीजन करेंगे सो दैट हमें सब कुछ अच्छे से याद हो जाए सो दिस इज चैप्टर थ्री टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस वर्कशीट फाइव आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस एक वर्ड में या एक सेंटेंस में ही आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा रेक्टेंगुलर की जो है वो राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड पर होता है और उसे यूज करना कब कन्वीनियंट होता है तो आंसर इज़ न्यूमेरिक की पैड न्यूमैरिक की पैड जो होता है वो राइट साइड ऑफ द की बोर्ड पर एक रेक्टेंगुलर की पैड बना होता है जिसके अंदर सारे नंबर्स लिखे होते हैं जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है या टाइप करनी होती है तब हम क्या करते हैं हम इस न्यूमेरिक की पैड को यूज़ करते हैं बहुत कन्वीनियंट हो जाता है हमारा काम करना ठीक है उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन नेम एनी फाइव स्पेशल कीज़ ऑफ अ की बोर्ड की बोर्ड पर जो भी हमने स्पेशल कीज़ पढ़ी है उनमें से हमें सिर्फ फाइव स्पेशल कीज़ का नाम बताना है सो द फर्स्ट वन इज़ शिफ्ट की सेकेंड इज कंट्रोल की थर्ड इज़ स्पेस बार की फोर्थ कैप्स लॉक की एंड फिफ्थ इज़ बैक स्पेस की अगर आप चाहो तो इसमें और भी अलग अलग कीज लिख सकते हो लेकिन मैंने यही लिखी है उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन विच कीज़ आर यूज टू डिलीट द टाइप्ड मैटर ऑन द स्क्रीन जो भी हमने स्क्रीन पे टाइप किया है उसमें अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो हम कौन कौन सी कीज़ से कर सकते हैं तो हमारे पास दो कीज़ हैं इसके लिए एक डिलीट और एक बैक स्पेस डिलीट वाले से कर्सर के राइट साइड पे जो होता है वो डिलीट होता है और अगर हमें कर्सर के लेफ्ट साइड पे डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं ठीक है इसको याद रखना राइट और लेफ्ट वाला ज़रूर फोर्थ क्वेश्चन देखो व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्पेस स्पेस बार बार की की का क्या यूज है तो जब भी हम स्पेस बार की को प्रेस करते हैं एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ जाता है यही इसीलिए हम इसे यूज करते हैं वर्ड्स के बीच में गैप्स डालने के लिए दैट इज द यूज ऑफ स्पेस बार की फिफ्थ क्वेश्चन देखो राइट यूज ऑफ एस्केप की एस्केप की का यूज लिखना है हमें कि हम कैसे एस्केप की को यूज करते हैं तो एस्केप की को हम इसलिए यूज़ करते हैं कैंसिल करने के लिए ऑपरेशन को जो भी हमने कमांड्स दिए हैं कुछ भी हैं उसमें से बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं कि हमें और कुछ नहीं करना सिर्फ एस्केप की क्लिक क्लिक करेंगे और हमारा सारा जो है कैंसिल हो जाएगा ऑपरेशन उसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन वेन वी ब्रिंग द पॉइंटर टू द आइकिन विच एक्शन हैपन्स पॉइंट करना उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम सिंपली पॉइंटिंग बोलते हैं यही उसने पूछा है कि अगर हम पॉइंटर को लेकर जाता है आइकन पे तो उसको क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग और सेवन देखो माउस एक्शन विच यू परफॉर्म टू ओपन एनी फोल्डर अगर हम किसी फोल्डर को ओपन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उस पर डबल क्लिक माउस का हमने पढ़ा था अगर हम एक क्लिक करते हैं इसका मतलब हम सिलेक्ट कर रहे हैं दो क्लिक करते हैं लेफ़्ट वाला डबल क्लिक लेफ़्ट बटन को दो बार प्रेस करना इज़ डबल क्लिक अगर हम दो बार लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी प्रेस कर रहे हैं क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या होगा डबल क्लिक उससे क्या होता है हमारा जो फोल्डर है वो खुल जाता है ओपन हो जाता है और अगर हम राइट क्लिक करते हैं माउस का राइट क्लिक करने से क्या होता है हमारा एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है तो ये तीन फंक्शन हमने माउस के पढ़े थे सब लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कम्प्लीट होती है हमने पूरी टिविशन भी कर ली है समझ भी लिया है सब कुछ सो आई होप आप सबको सब कुछ सब समझ आ गया होगा एंड uh, हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो टिल देन बाय